अभी हम आंखों की एक्सरसाइज करते हैं, तो रोज सुबह जब नींद खुल जाए, बिस्तर पे लेटे लेटे आपने शरीर को हिलाना है बच्चे की तरह। चलो शुरू करें। यस, लेटे लेटे करेंगे, मतलब पति को लगना चाहिए काली माता आ गई, ठीक है, और पत्नी को क्या लगना चाहिए, हाँ वो देखो अपने आप कनेक्शन कर लेते हैं। यस, लेटे लेटे बॉडी को हिलाओ, एक तरह से आप समझ लो कि लेटे हुए हो और बॉडी को हिलाना है बस, एक तरह से कम 2 से 3 मिनट। क्यों हिलाना है वो भी बताता हूं कि हमारे शरीर में कितना खून है, 5 लीटर। यस यस, फिर सीधा बैठ जाओ, अच्छी तरह हाथ रगड़ो। अब एक चीज पहले सुन लो, जब भी हम हाथ रगड़ के आंखों में लगाते हैं तो ये हिस्सा लगाना होता है, ऐसे कौन सा हिस्सा लगाना है, ये हिस्सा लगाना है ऐसे। यस, अच्छी तरह हाथ रगड़ो आंखें बंद करके, अच्छी तरह रगड़ो, गरम करो इसको, करो करो करो, गरम करो, पूरा गरम करो। हथेलियों को रगड़ने से आपस में गर्मी पैदा होती है, इसमें आंखें बंद करके रगड़ो। यस, गरम हो गए, अब आंखों पे लगाओ, लगा के रखो, कम से कम 15-20 सेकंड रोक के रखना है। ये जो हाथों की गर्मी है आंखों में महसूस होनी चाहिए। यस, पूरे चेहरे पर मलो और आंखें खोल दो। यस, फर्स्ट स्टेप, पहले उठते ही बॉडी को हिलाया, हाथ रगड़े, आंखों पे लगाया। अब जिनको चश्मा उतारना है वो अपना ही स्लाइवा आंखों में डालेंगे, यानी कि अपनी मुंह की लार आंखों में डालनी है, वो घर पे कर लेना। आंखों में लगा भी सकते हो ऐसे अंदर करके, ऐसे पकड़ के लगा लो, जैसे काजल लगाते थे ना आप लोग, काजल की तरह इस तरह आंखों में लगा लो ये अपनी स्लाइवा को। उसके बाद ये 3 उंगलियां ऐसे रखनी है, स्लाइवा लगाने के बाद ऐसे। यस, स्टार्ट, 7 बार घुमाएंगे सीधा और 7 बार घुमाएंगे उल्टा। स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उल्टी तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बार सीधा, 7 बार उल्टा, ठीक है। ये हो गई थर्ड एक्सरसाइज। फोर्थ, इसी उंगलियों को आंखों के ऊपर ऐसे टैप करेंगे, 25 बार सीधा, 25 बार उल्टा। यस, स्टार्ट। ये जो भी क्रियाएं करनी है सब आंखें बंद करके, अभी देख लो, करना सीख लो, घर पे जब करना तो आंखें बंद करके। यस, 25 बार सीधा, देन 25 बार उल्टा, टैपिंग इस तरह से। यस, लास्ट एक बार फिर दोबारा हाथ रगड़ेंगे आंखें बंद करके, अच्छी तरह रगड़ेंगे और जोर से, इतना रगड़ेंगे हाथों में गर्मी आ जाए, गर्म हो जाए हमारे हाथ। यस, करेंगे इसको, अच्छी तरह गर्म करेंगे, आंखों पे लगाओ और आंखें, उसके बाद 10-20 सेकंड रोक के रखो, 10-20 सेकंड रोक के रखो। यस, पूरे चेहरे पर मलो, जिनको थायराइड प्रॉब्लम है गले पर मलो और आंखें खोल दो, जिनको थायराइड प्रॉब्लम है गले पे मल लिया करो ऐसे बस और आंखें खोल दो। इतनी सी एक्सरसाइज से लगभग अगर 100 लोग करते हैं तो 60-70 लोग बताते हैं कि हमारा चश्मा नंबर कम हो गया या उतर गया, बड़ा आसान है। और जिनको भी कैटरेक्ट है, सफेद मोतिया, काला मोतिया या कोई और आंखों का रोग जिसमें भी ऑपरेशन की तकलीफ है, जरूरत नहीं है। आयुर्वेद में एक टेक्निक होती है अक्षय तर्पण, कोई भी पंचकर्मा सेंटर हो आपके घर के आसपास, अक्षय तर्पण टेक्निक में एक ऐसे मटेरियल आंखों पे लगा के ना, होल बना के आंखों के अंदर एक ऑयल डाला जाता है, हर्बल ऑयल होता है वो, मेडिकेटेड,
उसके आंखों की एक्सरसाइज करके वो चश्मा विद इन फ्यू डेज, नहीं तो कैटरेक्ट वगैरह सब कैंसिल हो जाता है। आपको शायद पता होगा अभी मोदी जी ने लगभग एक महीना पहले एक इंटरव्यू में, आपको याद होगा रोजमेरी के, सुना किसी ने नाम रोजमेरी? रोजमेरी कीनिया के राष्ट्रपति की बेटी है। रोजमेरी की आंखों की रोशनी चली गई थी ब्रेन ट्यूमर की वजह से, और पूरे वर्ल्ड के 45 से 50 कंट्रीज में वो घूम चुकी थी, अंधी हो गई थी। इवन की 3 साल से उसने अपने बच्चों को भी नहीं देखा क्योंकि आंखों की रोशनी चली गई। इंडिया में आके आयुर्वेद से, पंचकर्मा से उसकी आंखों की रोशनी वापिस आई है। वो मोदी जी ने खुद अभी एक महीना पहले एक लेक्चर में बोला और उन्होंने पूरा उसके ऊपर बताया, डिटेल दिया। जो राष्ट्रपति ओलिंगा हैं केनिया के, उनकी बेटी है रोजमेरी, इंडिया में आके उसकी आंखों की रोशनी ठीक हुई है। सोचो कि ये पूरे वर्ल्ड के 40 कंट्रीज 50 कंट्री में घूम चुकी थी। तो आयुर्वेद में सब कुछ है, लोगों को मालूम नहीं है। भाई राजीव दीक्षित जी के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को पूरा करने के प्रयास में एशिया का पहला 1000 बेड का इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुद्धिग्राम हिम्स दिल्ली NCR मेरठ में खुल चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़ डेरा बसी, नवी मुंबई, लखनऊ, गुरुग्राम, अमृतसर, दिल्ली, लुधियाना और देश के अन्य कई स्थानों पर भी हिम्स अपनी सेवाएं दे रहा है। हर किडनी फेल पेशेंट, लिवर पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक ये वीडियो पहुंचाकर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए।